कर। तेरी ननद है ना वर्तिका, वो सब संभाल लेगी। अब मैं फोन रखती हूँ, वहां पर फटाफट आती हूँ, आपके साथ उससे भी मिल लूंगी। सब कुछ हो जाने के बाद तू तुषार बार बार फोन क्यों कर रहा है? जी कहीं मुझे मिल जाए ना तो मैं तो उसे क्या। तुषार बोलो क्या बात करनी है? वर्तिका प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वाओ इतने कम दिनों में तुम वर्तिका की आवाज भी भूल गए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं वर्तिका नहीं पल्लवी बोल रही हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? I'm so sorry, पल्लवी मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम फोन पे हो। मतलब की बात करो तुषार। हाँ वैसे तुम और कर भी क्या सकते हो, फिर शुरू हो जाओगे अपने वही उलझुल सवाल के साथ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वर्तिका तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और उसे तुम्हारे कोई भी सवालों का कोई जवाब नहीं देना। यू गेट इट? वैसे तुषार तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी आदरणीय मॉम को वर्तिका के घर अपने साथ ले जाने पर उनके घर वालों पर क्या बीती? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम की बातें सुनकर वर्तिका के डैड को हार्ट अटैक आ गया। चाहते हो कि वर्तिका तुमसे बात करे? पल्लवी ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये सब कुछ हो गया। अब तो पता चल गया ना, सो स्टॉप बॉदरिंग अस। आज के बाद यहां फोन मत करना। वर्तिका तो क्या, तुम जैसे सोच रखने वाले इंसान के साथ तो मैं भी बात नहीं करना चाहती, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम्हारी मॉम की बातें सुनकर वर्तिका के डैड को हार्ट अटैक आ गया। आज के बाद यहाँ फोन बंद कर। वर्तिका तो क्या, तुम जैसे सोच रखने वाले इंसान के साथ तो मैं भी बात नहीं करना चाहती, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना। इसके इसकी वाणी किसी ने इसकी व्यथा न जानी। अंत आरंभ है ये मध्यांतर अर्ध नारीश्वर।
अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर। ये सब क्या हो गया? आखिर मैं मॉम की बात मानकर वर्तिका के मामा जी के घर क्यों गया? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। समझ में नहीं आता कि अब करूं तो क्या करूं। वाओ, कितने कम दिनों में तुम वर्तिका की आवाज भी भूल गए, आवाज भी भूल गए। तुम्हारी मौत की बातें सुनकर वर्तिका के डैड को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। वर्तिका तो क्या, तुम जैसी सोच रखने वाले इंसान के साथ साथ मैं भी बात नहीं करना चाहता, मैं भी बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ वर्तिका, क्या मैंने तुषार से कुछ गलत कह दिया? तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जो किया ठीक किया। तुषार की वजह से सिर्फ बाऊजी की तबीयत ही नहीं खराब हुई, बल्कि मामा जी के घर में भी बहुत सारी परेशानियां आई, और सबसे ज्यादा अजीत भाई और सुमन भाभी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं वर्तिका, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब है इस मुस्कुराहट का? देख, मुझे सच सच बताना, तुझे उसकी याद आ रही है ना? भाभी, यादें तो होती ही आने के लिए। लेकिन सच्चाई को देखकर यादें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। भाभी, मैं आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए, अब मैं बहुत ठीक हूँ। और मैंने तुझे देख लिया ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि आप आ गए, अब मैं बहुत ठीक हूँ। और मैंने तुझे देख लिया ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन तेरा ये उदास चेहरा मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे सच बताए कि आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं भाभी, वो तुषार वर्तिका को बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, तो मैंने उसे थोड़ा बहुत सुना दिया बस। बहुत अच्छा किया तूने, और वर्तिका ने भी। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो वर्तिका को डिजर्व ही नहीं करता।
क्योंकि उस दिन जब उसकी माँ घर पर हंगामा कर रही थी तो उसने इस बात का विरोध तक नहीं किया। ना समझाया रहे कि बिटुआ मत पड़ अपनी माँ के कहे में और मत कर प्रेम बेशक, क्योंकि प्रेम में शक की कोई गुंजाइश तो होत नहीं है, लेकिन नहीं मानी हमार बात और अपनी का हालत कर ली है। अब तो हमने भी समझ में नहीं आवत कि क्या करें। अरे और फिर अगर कुछ करे भी तो इसकी महतारी फिर मरा गुड़ गोबर कर डालेगी। उसकी वजह से का हाल हो गया है हमारे बबुआ का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको पता है जब हम लोग वहां से वापस आए तो वर्तिका के फादर को हार्ट अटैक आ गया। वर्तिका के फादर को हार्ट अटैक आ गया। होगा ना, अभी बात के लिए भी सब लोग उसी को दोष दे रहे हैं। वाह अम्मा जी वाह, बेचारे की भलाई करने की बजाय उसे और दुखी कर रही हैं। ये जताकर कि वहां जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार यही है। मॉम प्लीज, दादी जो कह रही है सच कह रही है। और एक सच ये भी है कि वहां पे जो कुछ हुआ वो आपकी वजह से हुआ। वाह तुषी, यू आर ग्रेट।
मैं तो वहां गई थी तेरी पहेलियां सुलझाने, और तू मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। खुदा ना खास्ता वहां अगर उसके पिता स्वर्ग सिद्धार्थ जाते तू तो मुझे फांसी पर लटका देता। मॉम प्लीज, विल यू कीप क्वाइट? आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? बड़ी समाज सेविका बनने का शौक रखती है ना, अगर आप जैसी तीन चार समाज सेविका आ जाएं, पता नहीं इस देश का। चुप रह बदतमीज। एक लड़की के लिए अपनी मां से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? जा, जाकर उसकी गोद में बैठ जा। ठीक है मॉम, चला जाऊंगा। एक दिन इतना दूर चला जाऊंगा कि आप मेरा चेहरा देखने को भी तरस जाएंगी। ना बबुआ ना, ना मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं कहते। अरे तुम्हारी दादी तो है ना, हाँ, और तू अपनी दादी को छोड़ के चला जाएगा तो तुम्हारी दादी क्या करेगी रे? तो अपनी दादी को छोड़ के नहीं जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। एक अरमान लेकर आए थे यहाँ, अब तो लगता है कि इस अरमान को साथ लेकर ही वापस ले जाएंगे, और वो भी इस हालत में। लेकिन बेटा हमें तुमसे पूछना है, तुमने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि हमारी देखभाल करने के लिए इस अस्पताल में तुम शक्ति के बिन शिव है अधूरा।